नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन फ्यूचर में। दोस्तों मैं नीरज गुप्ता आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। इसमें जो है जीएस के क्विज क्वेश्चंस को शामिल किए गए हैं जो यूपीपीएससी प्री 2018 को टारगेट करके बनाया गया है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जरूर लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसमें मिक्स क्विज है यानी कि जीएस है, करेंट अफेयर है और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सभी प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। शानदार प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो आप इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी। पता ही आपको लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय था, ब्रिटिश भारत का वायसराय था। इसका कार्यकाल जो है 1899 से लेके 1905 ईस्वी था। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है 1905 ईस्वी कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी, या इसे गैर कानूनी घोषित करना, इसका अस्तित्व समाप्त कर देना, इसका सहयोग प्राप्त करना, कांग्रेस से अधिकतम लाभ प्राप्त करना। यहाँ पर लाभ टाइप होना छूट गया है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन जो है कांग्रेस के प्रति इसकी नीति थी कि इसका अस्तित्व समाप्त कर देना। ठीक है, कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त कर देना। जब और इसने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि कांग्रेस जो है अपने मृत्यु की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, मेरी दिली इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसके मृत्यु के लिए सहयोग प्रदान कर सकूं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। तो इसका अस्तित्व, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त कर देना ही इसका कर्जन की क्या थी, नीति थी। कर्जन के ही शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना घटी थी, बंगाल विभाजन, जो 1905 ईस्वी में घटित हुई थी। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निषेधक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा नीति निषेधक तत्व जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा है। आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निषेध तत्व का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए ये चार ऑप्शन हैं, इसमें जो इसका सही आंसर होगा, जो 42वें संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा संशोधन किए गए थे, इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, इसमें है सहकारी समितियों का गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन। ठीक है, इसका जो है गठन जो है सरकारी समितियों का गठन, संचालन, नियंत्रण और प्रबंधन, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं किया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 97वां संविधान संशोधन द्वारा जो है सहकारी समिति का गठन किया गया था। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। और समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की सुरक्षा, वन जीवों की रक्षा, ये सभी तीनों जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़े गए थे। और पर्यावरण, वन, वन जीवों की संरक्षा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 48 के कम में है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से है, अनुच्छेद 50, 51, 53 या 48। तो यह अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग जो है भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन के बारे में बताया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, और कुछ देश दिए गए हैं। इसमें बता रहा है कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है और सही सुमेलित बता रहा है, यानी कि तीन इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के पद संयुक्त राज्य अमेरिका, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन, विधि का शासन फ्रांस, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति, ये दोनों पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, इसको आप ध्यान से रखिएगा। तो ये जो है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि सही सुमेल का मिलान करना है। ठीक है, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बाकी आप लोगों को पता ही है। अगला प्रश्न है, इससे कथन कारण वाला प्रश्न है। ठीक है, स्टेटमेंट और रीजन दिया हुआ है। तो इसमें पहला कथन दिया है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कथन सही है, रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। कारण क्या दिया गया है इसका, कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, संविधान में ये प्रावधान आप डिटेल में पढ़ेंगे तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति में नियुक्त होता है, लेकिन
संसद चाहे तो इस शक्ति को जो राष्ट्रपति को दी गई है इस शक्ति को कम कर सकती है, एक शक्ति को क्या कर सकती है संसद जो है विधि बनाकर कम कर सकती है। तो विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की जो शक्ति है विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का कथन सही है, कारण गलत है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए सही है, आर क्या है गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित मेघ में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो ये कुछ अनुसूची दी गई हैं, कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो ध्यान से आप देख लीजिए इसको। अनुसूची जो टोटल 12 है संविधान में, यह प्रावधान है। किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान, देखिए प्रथम अनुसूची में दिया गया है संघ में नए राज्य के प्रवेश हेतु संशोधन, संघ में नए राज्य के प्रवेश हेतु संशोधन। तीसरी, दूसरा पॉइंट है, तीसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन दिए गए हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। चौथी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। आपको बताना है इसमें कि कौन सी सूची सुमेलित नहीं है। कूट भी आप देख लीजिए, कूट है आपका 1, 2, 3, 4 चारों सही है, या केवल दूसरा सही है, या केवल 4 सही है, या 2 और 4 सही है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा कूट जो है ये सुमेलित दिया है। देखिए यहाँ प्रश्न पे दिया हुआ है कि सुमेलित नहीं है। प्रश्न को देखिए, जब भी आप पेपर करिएगा प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि सुमेलित नहीं है, सत्य है या असत्य है, क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो देखिए प्रथम वाला जो है सुमेलित है। संघ प्रथम अनुसूची में क्या है, संघ में नए राज्य के प्रवेश हेतु संशोधन, पहला वाला बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ये गलत है। और आठवीं सूची में, अनुसूची में जो है भाषाएं हैं ये बिल्कुल सही सुमेलित है। चौथी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है यानी कि सुमेलित नहीं है सही। अब क्या हो जाएगा इसमें, 2 और 4, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरी में वेतन भत्ते पेंशन है, या तीसरी में शपथ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और वेतन भत्ते पेंशन का प्रावधान जो किया है दूसरी अनुसूची में किया गया, इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल को संसद में साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व घोषणा के साथ अनुमोदित करने पर यह प्रवर्तन में रहेगा। ठीक है, यानी कि पता ही आपको तीन तरह से आपातकाल हैं, यानी कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। इसके लिए देखिए संसद से उद्घोषणा से होने के बाद जो है संसद से एक माह के अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या है 356 राष्ट्रपति शासन के लिए दो माह के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए संसद से, और वित्तीय आपात के लिए भी 2 माह का अनुमोदन मिलना चाहिए। 352 जब लागू होता है तो 1 साल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है लोकसभा का कार्यकाल, और 356 जब लागू होता है, ठीक है, ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, और जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 जब अनुमोदन हो जाता है तो 6-6 माह करके बढ़ाया जाता है कार्यकाल को। ठीक है, 6-6 माह करके राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाता है, कब तक, अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, और 356 का जो 360 का वित्तीय आपातकाल है यही पूछा गया है कि कितने वर्ष तक ये प्रवर्तन में रहता है। तो ऑप्शन है आपका 1 वर्ष तक 6 माह तक अनिश्चित काल तक, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनिश्चित काल तक ये प्रवर्तन में रहता है। एक बार अनुमोदन मिल जाता है वो भी किससे, साधारण बहुमत से अनुमोदन मिलता है, तो इसमें जो है अनिश्चित काल तक ये बना रहता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास को कहा जाता है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास को कहा जाता है, तो उसके पास को कहा जाता है एलिफेंटा पास। ठीक है, क्या कहा जाता है, एलिफेंटा पास कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। ये नदी दी गई हैं, 6 नदियां टोटल दी गई हैं, और इन नदियों पर आपको विचार करना है। ब्यास, चेनाब, ठीक है, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, सिंधु, यमुना। प्रश्न क्या पूछा गया कि उपयुक्त नदियां में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। उपयुक्त में से कौन सी नदियां जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, तो देखिए व्यास और रावी तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है क्योंकि ओरिजिन ही इनकी रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है तो वहीं से इनकी जो है ओरिजिन है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, तो 2 ये हो गए। ठीक, इसके अलावा देखिए यहाँ पर चेनाब नदी और सतलज नदी, सतलज नदी जो है राकस्ताल झील तिब्बत से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश होते हुए
हिमालय गर्ज को काटते हुए सतलज गर्ज का निर्माण भी करती है। और इसके अलावा चेनाब नदी, चंद्र नदी और भागा नदी दो नदियां हैं, आपस में आकर मिलती हैं और चेनाब नदी का फॉर्मेशन करती हैं। तो ठीक है, तो एक और तीन हो गया, दो और चार हो गया। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है और न सिंधु नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, यानी पाँचवा छठवां बिल्कुल भी नहीं है। अब ऑप्शन मिला लेते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एक दो तीन चार, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक दो तीन चार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये चारों नदियाँ कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। देखिए सुमेलित करना है, कूट दिया गया है, कौन सा कहाँ पर है, सूची वन सूची टू, तो बताइए आप लोग क्या होगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है एक सूची में। देखिए नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी कहाँ पर है अगर ये प्रश्न पूछा गया तो मेघालय में। ठीक है, गारो खासी जयंतिया नाम सुने होंगे आप लोग, तो मेघालय में जो है गारो पहाड़ी है। और नोकरेक उद्यान राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, मेघालय में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नोकरेक कहाँ पर हो गया, नोकरेक हो गया गारो पहाड़ी पर, नामेरी कहाँ हो गया सोनितपुर पे, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख कहाँ पर है कर्नाटका में है, चिकमंगलूर कहाँ है कर्नाटका में थे, सी का दो हो गया। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। तो यानी कि आपका अगर ऑप्शन देखते हैं कूट, तो चार तीन दो एक, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, चार तीन दो एक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सत्य कथन, कथनों का परीक्षण करें तथा कूट की सहायता से सही विकल्प चुनें। ये थोड़ा कथन वाले प्रश्न, स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं, टोटल चार स्टेटमेंट दिए हैं, कूट दिए हैं, आपको पहचानना है। चलिए पढ़ते हैं, पहला इसमें कथन दिया कि सिंधु नदी तिब्बत के ट्रांस हिमालयी पर्वत के कैलाश रेंज में अवस्थित मानसरोवर लेक से निकलती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, सिंधु नदी तिब्बत के ट्रांस हिमालयी पर्वत के कैलाश रेंज में अवस्थित मानसरोवर लेक से निकलती है, क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह नदी मेन सेंट्रल थ्रस्ट से प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है, यानी कि एमसीटी की बात कर रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो वहाँ से होकर प्रवाहित होती भारत में, बिल्कुल भी नहीं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थर्ड है, सिंधु नदी चांगला जाराला दर्रों के बीच से होकर भारत में प्रवेश करती है। हाँ, सिंधु नदी जो है चांगला दर्रा और जाराला दर्रों के बीच से होकर भारत में प्रवेश करती है, यानी कि सी तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला की मध्यवर्ती घाटी से होकर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला की मध्यवर्ती घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो सिंधु नदी जब भी प्रवाहित होती है तो लद्दाख और जास्कर से मध्य से होकर प्रवाहित होती है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें से दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी पहला तीसरा चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, सूची वन का सूची टू से सम्मेलन कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची वन में खनिज दिया गया है और सूची टू में प्रमुख खाने दी गई हैं, इनको आपको मिलान करना है। तो लौह अयस्क, अभ्रक, चांदी, ग्रेफाइट एक सूची में, दूसरे सूची में जावर, बैलाडीला, बाबूपली और कोडरमा। देखिए लौह अयस्क जो खनिज के प्रमुख खाने हैं वो बैलाडीला में, ठीक है, ए का दूसरा सही हो जाएगा। अभ्रक कहाँ पर है, अभ्रक कोडरमा, ठीक है, अभ्रक कहाँ हो जाएगा, कोडरमा। चांदी जावर क्षेत्र, जावर कहाँ पर है, राजस्थान में, इसको आप याद रखिएगा, जावर क्षेत्र जो राजस्थान में, राजस्थान में एक और खेतड़ी नामक स्थान जहाँ पे कॉपर यानी कि तांबा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ग्रेफाइट बाबूपली, ग्रेफाइट कहाँ हो जाएगा, बाबूपली, यानी ए का दूसरा बी का चौथा। अब आते हैं कूट देखते हैं, ए का दूसरा बी का चौथा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो खनिज थोड़ा देख लीजिए कौन सा कहाँ से उत्पादन होता है, एक वर्ल्ड लेवल पर भी आपको देखना होगा और इंडिया लेवल पर भी आपको देखना होगा। आपको टेस्ट कैसा लगा दोस्तों, तो इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के प्रश्न आपको यूपीपीसी 2018 में आपको देखने को मिलेंगे। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जो भी मेंबर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, एस्किमो को किस प्रजाति समूह में रखते हैं, एस्किमो एक प्रजाति है, उसको किस समूह में रखते हैं, निग्रोइड में, मंगलोइड में, कॉकेसॉइड्स में या एस्ट्रोलॉइड में, एस्ट्रोलॉइड में किस में रखते हैं, तो एस्किमो को मंगलोइड प्रजाति में रखते हैं, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एस्किमो के बारे में बता देते हैं कि एस्किमो प्रजाति होती क्या है,
एस्किमो प्रजाति जो होती है वो अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अगर ध्रुवीय क्षेत्र देखेंगे तो वहीं पर ये एस्किमो प्रजाति जो है निवास करती है, जो मंगलवाइड होती हैं। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय होता है शिकार करना। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? हंटर, यानी कि शिकार करना ही इनका मुख्य व्यवसाय होता है एस्किमो प्रजाति का। ये भी प्रश्न पूछा गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनके निवास गृह को हम इग्लू कहते हैं, IGLOO, इग्लू कहते हैं। इनका निवास गृह मतलब जो घर बना के रहते हैं, इनके निवास गृह को जो हम लोग क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है, ये रेंडियर की सहायता से खींचने वाली स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा था, स्लेज गाड़ी के खींच कुत्ते से खींचने वाली जो गाड़ी का प्रयोग करते हैं ये, सॉरी रेंडियर की सहायता से, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी और फैशन इन्फॉर्मेशन जो है आपको एस्किमो जनजाति से मिल जाती है। तो किस प्रजाति समूह में रखे जाते हैं? मंगलवाइड प्रजाति समूह में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से रिलेटेड है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वाले रुपे डेबिट कार्ड, ठीक है, बैंक खाता जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा 28 अगस्त 2014 को, याद है कि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो बैंक खाता खोलने के लिए रुपे डेबिट कार्ड दिया जा रहा था, तो रुपे कार्ड के निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया पेमेंट गेट के? रुपे कार्ड जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है पेमेंट गेट को, गेटवे को जो है विकसित किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसमें दिया है भारतीय स्टेट बैंक, सेबी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, NPCI, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के द्वारा जो है रुपे कार्ड को विकसित किया गया है। ठीक है, आपको बताइए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है टोटल 28 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए पहल योजना, देखिए 1 जनवरी 2015 को लेकर आई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, 1 जनवरी 2015 को जो है इसे लागू किया गया था। ये जो DBTL से रिलेटेड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBTL से LPG के जो LPG सब्सिडी का उपभोक्ताओं के खातों में जो हस्तांतरण किया जा रहा था वो DBTL के माध्यम से ही किया जा रहा था। पहल योजना उसी से रिलेटेड है। पेट्रोल पंप पे वगैरह पे इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत तेज़ी से किया गया था 2015 में। इसी के तहत जो है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत ही करीब 90,000 करोड़ रुपये की बचत की है केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, LPG सब्सिडी के उपभोक्ताओं के खातों के हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पहल योजना लाई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है स्टैंडअप इंडिया योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप स्टैंडअप दो परियोजना जो है शुरू की गई थी, तो इसमें कुछ स्टैंडअप इंडिया के बारे में, स्टैंडअप इंडिया के बारे में जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2016 को बलिया में स्टैंडअप इंडिया योजना का शुरुआत की थी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2016 को बलिया में स्टैंडअप इंडिया योजना शुरुआत की थी, ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2016 ने 6 अप्रैल 2016 को, सॉरी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2016 को जो है स्टैंडअप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? ग्रेटर नोएडा की, उत्तर प्रदेश के नोएडा से जो है इन्होंने स्टैंडअप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत बैंक की प्रत्येक ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित, एक महिला और एक आदिवासी को ऋण देगी। बिल्कुल सही है ये, इसमें यही प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बैंक जो है, बैंक की प्रत्येक ब्रांच जो है एक दलित और एक महिला और एक आदिवासी को क्या देगी? ऋण देगी। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि स्टैंडअप इंडिया योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति, यानी कि अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST तथा महिलाओं को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक ऋण देकर इन वर्गों के लोगों को उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ठीक है, स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत जो है कितने तक का लोन देने की बात कही गई है? 10 लाख से 1 करोड़ के मध्य किसको? किसको? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पूछा गया उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो दूसरा तीसरा कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रू पहचानना यहाँ पर। अगला प्रश्न है यूरोपसर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित, यानी कौन इसके अंतर्गत आता है? यूरो उत्सर्जन नियम पता ही है, यूरोप के द्वारा यूरो एक उत्सर्जन नियम जो है बनाया गया था, इसी के तर्ज पे भारत में क्या बनाया गया है? BS बनाया गया, जैसे BS4, BS6 की, BS5 जो है भारत में लॉन्च नहीं की जाएगी, डायरेक्ट BS6 लॉन्च की जाएगी, BS5
इस समय चल रही है। बीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत स्टेज। बीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत स्टेज। तो इसमें पूछा गया यूरो में किसका उत्सर्जन करते हैं, कौन आच्छादित है, निम्नलिखित में कौन सा आच्छादित है? तो इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आच्छादित है, हाइड्रोकार्बन आच्छादित है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आच्छादित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और जबकि BS4 भारत में इसमें किस गैस को मैक्सिमम आच्छादित किया जाता है? तो सल्फर, ठीक है, सल्फर के उत्सर्जन को आच्छादित किया जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न की अगर बात करें, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? पता है ये आप लोगों को, एसिड रेन जो होती है, जिससे स्टोन कैंसर, ताजमहल वगैरह जो प्रभावित हो रहे हैं, स्टोन कैंसर, इससे संज्ञा दी गई है। इसमें जो मुख्य रूप से होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ये जब ऊपर जाते हैं क्लाउड से मिल करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड के रूप में फॉर्मेशन करते हैं, और आकर कहाँ पर गिरते हैं? वर्षा के रूप में जब ज़मीन पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो जो भी मोनूमेंट्स वगैरह हैं तो उनको क्या करते हैं? हार्मफुल मतलब हार्म पहुँचाते हैं, ठीक है। इसी को स्टोन कैंसर की संज्ञा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की अगर हम चर्चा करें, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के भी कुछ प्रश्न इसमें हमने शामिल किए हुए हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है। बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जाएगा? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बब्बर शेर सफारी जो है इटावा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। देखिए उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कितनी, किस 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो महिला आबादी है कुल आबादी का 48% है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 52% पुरुष आबादी है और 48% क्या है? महिला आबादी। 48% क्या है? महिला आबादी है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित निम्न से क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन है? वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर। तो वाराणसी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है, इसमें जो चारों में से दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद पूछ रहा है, यानी कि ST की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सर्वाधिक जो ST जनसंख्या है किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? सोनभद्र में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? अब बताइए निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? देखिए गंगा एक्सप्रेसवे, मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिजोनलेशन मिशन दिया गया है, ठीक है। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे रोड बनाने से रिलेटेड है ये, ठीक है, और ये यूपी सरकार की योजना है। तो मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू जो मिशन लाया गया था, ये तीनों जो है केंद्र सरकार की योजना है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल संबंधित है, ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल संबंधित है, ठीक है। तो ये संबंधित है, ऑप्शन आप पूरा देख लीजिए अच्छे से, पेंसिल किससे संबंधित है? ठीक है, पेंसिल जो संबंधित है, नो चाइल्ड लेबर कोई बाल श्रम नहीं नीति के प्रभाव से प्रवंतर से संबंधित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्यपाल द्वारा, देखो पॉलिटी के प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो देखिए विधान परिषद है, कुल 7 स्टेट है, 7 स्टेट में जो है विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद के गठन के लिए कोई भी राज्य अगर अपने विधानसभा में साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज देती है, तो आर्टिकल 171 के अंतर्गत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद का गठन किया जा सकता है उस राज्य में। अभी हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है कि हमारे राज्य में एक विधान परिषद का गठन किया जाए? तो हम बता दें इसका आंसर, करेंट का इम्पोर्टेंट आंसर है ओडिशा, ठीक है। ओडिशा ने ऐसा प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया है, ओडिशा ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है कि हमारे यहाँ क्या किया जाए, विधान परिषद का गठन किया जाए। इस प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा को एक छठा भाग जो है क्या किया जाता है, नामित किया जाता है, छठा भाग। तो इसमें देखिए टोटल जो नामित किए जाते हैं वो आते हैं 1/3, ठीक है,
एक बटे तीन, और फिर एक बटे तीन, एक बटे बारह, एक बटे बारह और एक बटे छः। ठीक है, ऐसे है इसका, याद कर लीजिएगा अपना। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट दिया गया था कि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन सही होने चाहिए, तो उसी के स्टेटमेंट बनाया गया, गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य की तरफ नहीं ले जाते। ये स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी ने। कितने दिया था ये स्टेटमेंट? एम के गांधी ने दिया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन आपको पता है कि नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था, 3 फरवरी 1928 को ये भारत में कदम रखा था। कहाँ पे कदम रखा था? मुंबई में कदम रखा था। इसका विरोध पूरे राज्य सॉरी पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर विरोध किया गया। तो इसमें आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन के समाप्ति की संतुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, या साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। देखिए, बिल्कुल डी वाला तो बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि साइमन कमीशन कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से जो भारतीय थे, भारतीय नेता थे, वो इनका विरोध कर रहे थे। जगह जगह इनका विरोध किया गया। इसी के विरोध के फलस्वरूप जो है लाहौर में लाठीचार्ज की गई, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न था आज का, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि ऐसे और प्रश्न जीएस के क्विज या करंट अफेयर के क्विज की और भी अगर आप डिमांड करेंगे, तो उस पर जो है बना दिया जाएगा। जो भी आपने स्कोर किया है, उसको ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए मैं नीरज गुप्ता आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।